हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी मरक की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 kg मटन। इसे हम हदी के साथ लेंगे, ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, 8 से 10 हरी मिर्चियों को हमने इस तरह से ब्लेंड करके रख लिया है। इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच घी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे काजू बादाम का पेस्ट। इसमें हमने ले लिया 20 काजू और 20 बादाम। इसे हमने इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहो तो इसमें घर की बनी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हो। इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप डायरेक्टली इसे किसी पतीले में भी बना सकते हो भूनते हुए, या फिर आप किसी प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं 1 से 2 घंटे के लिए। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली प्रेशर कुकर या वेजल में बना सकते हो बिना मैरिनेट किए हुए। मटन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो चलिए इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि इलायची, कबाब चीनी, लौंग और काली मिर्च। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई ऑनियन। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर को हम गैस पर रख देंगे। फिर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी। पानी का हम इसमें कम इस्तेमाल करेंगे, पानी खुद ब खुद इसके अंदर से रिलीज होना लगेगा। प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे, 8 से 10 विजल ले लेंगे। फिर लोअर मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए इसे हम पका लेंगे, जब तक कि हमारा सारा गोश्त टेंडर ना हो जाए। 30 मिनट्स हो चुके हैं तो इसके लिए हम ओपन कर देंगे। आप देख सकते हो इसके अंदर का सारा घी सेपरेट होने लगा है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हैदराबादी होममेड गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर से सारा घी सेपरेट होने लगा है। इसे हम और 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर पका लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसकी लिड हम हटा लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से इसके अंदर से सारा घी सेपरेट हो चुका है, गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से ये सॉफ्ट होना चाहिए और ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया और पुदीना। 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे हैदराबादी तंदूरी नान के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।